हे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं चैनल पर एक बार फिर से। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश से फ्रेंड्स आप सभी लोगों के लिए राउंड फर्स्ट की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। आप सभी लोग यहां पर काउंसलिंग के लिए प्रिपेयर हैं, तो चॉइस फिर फ्रेंड्स किस तरीके से आपको रखनी है देन देखिए, आपके अकॉर्डिंग टू मार्क्स आपकी प्रेफरेंस बहुत मायने रखती है। तो कॉलेज को सही ऑर्डर में किस तरीके से आप रख पाएंगे, तो आपका जो कॉलेज है आपको इजीली अवेलेबल करा दिया जाए, यानी कि अलॉट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दें। टेलीग्राम इंस्टाग्राम चाहते हैं तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। देन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ये चॉइस प्रेफरेंस अकॉर्डिंग टू ऑब्टेन मार्क्स बाय बीएससी नर्सिंग के लिए जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग आपकी इस टाइम पर चल रही है ओनली फॉर गवर्नमेंट कॉलेज। तो यहाँ पर आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग समझना है किस तरीके से आपको चॉइस प्रेफरेंस रखनी है। ठीक है, तो एक एक करके सारी चीज़ों को समझते चलेंगे और अच्छे तरीके से प्रेफरेंस को करेंगे। तो देखिए, मार्क्स की बात करें तो 120 से लेकर के 130 के बीच में है। तो जैसे मैंने बताया, 70 से लेकर के 80% तक सीटों का फिलअप होता है। ठीक है, आपकी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में, तो आप सभी लोग फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर जो सीटें हैं आपके पास में अच्छा खासा चांस होता है। कहीं ना कहीं आपकी प्रेफरेंस अगर सही यहाँ पर बैठ गई, सही आपकी रह गई, तो आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो इसके अलावा अगर आप सोचते हैं फ्रेंड्स कि सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में आप करवा लें, उसमें आपके ज़्यादा चांसेस है, तो उसमें और भी कम चांसेस होंगे। ठीक है, तो जो ज़्यादा चांसेस क्रिएट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में ही होते हैं, ये आपको समझना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। 120 से लेकर के अगर आप 130 के बीच में अगर ऑब्टेन किए हैं अपने आप मार्क्स, तो किस तरीके के आपको कॉलेजेस चूज़ करने चाहिए, जैसे बांदा का हो गया, बदायूं, बस्ती, फिरोज़ाबाद, कन्नौज, आजमगढ़। ठीक है, और भी आप यहाँ पर कॉलेजेस को चूज़ कर सकते हैं, मैंने ओनली 6 कॉलेजेस को बताया है। चाहे तो आप 8 प्रेफरेंस रख सकते हैं, 10 भी रख सकते हैं, या फिर पूरे कॉलेज आप फिलअप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट यहाँ पर आपको फिलअप किस तरीके से करना है वो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले ऐसे कॉलेज फिलअप करें जो थोड़ा सा कट ऑफ को लो रखते हैं। ठीक है, तो उसमें आपके जो चांस हैं अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स थोड़े से ज़्यादा क्रिएट हो जाएंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको जो चांस ज़्यादा क्रिएट होते हैं तो ईजिली अलॉट होने के चांस भी आपको बन जाते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको चॉइस प्रेफरेंस अपनी रखनी होती है। देन उसी तरीके से बदायूं, अगर आप चाहें तो यहाँ पर बदायूं रख सकते हैं और यहाँ आप बांदा भी रख सकते हो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी इच्छा अनुसार इसको चेंज भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बता दिया है। अगर आप ऐसे रखना चाहते हैं तो ऐसे भी रख लीजिए, और अपने अकॉर्डिंग आप रखना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हो। तो इस तरीके से आपको प्रेफरेंस ज़रूर रखनी चाहिए। देन यहाँ पर देखिए, लास्ट में मैंने ऐसे कॉलेजेस भरे हैं जो थोड़ा सा लो टू मीडियम कट ऑफ रहते हैं, उनमें भी आपको चांसेस क्रिएट हो सकते हैं। क्या पता ऐसा होता है फ्रेंड्स कि आपकी जो कैटेगरी वाइज है उसमें सीटें जो हैं आपकी कह सकते हैं कि बच जाती हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको चांस क्रिएट हो जाएगा कि आपको अलॉट कर दिया जाए, या फिर आप लकी हुए, एक तरीके से आप कह सकते हो। जो स्टूडेंट लकी होगा तो उसमें सहारनपुर में उसको मिल जा रहा है 120 से लेकर के 130 के बीच में, तो उसको हम कह सकते हैं भाई लकी तो है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा लक का भी थोड़ा आपका रहेगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपने बहुत अच्छे मार्क्स ऑब्टेन किए हुए हैं। अगर आप यहीं पर इतने मार्क्स में प्राइवेट चाहते हैं तो प्राइवेट भर सकते हैं, वो तो बहुत ही इजीली अवेलेबल करा दिया जाएगा आपको, बहुत जल्दी अलॉट कर दिया जाएगा फर्स्ट राउंड में ही। ठीक है, अब बात करते हैं 130 से लेकर के 140 के पास में जो यहाँ पर ऑब्टेन किए गए हैं मार्क्स, तो यहाँ पर सहारनपुर रख सकते हो, कन्नौज रख सकते हो। इसमें जो ज़्यादा चांसेस क्रिएट होते हैं आपके कन्नौज के होते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा है। देन उसके बाद यहाँ पर सहारनपुर, ठीक है, और यहाँ पर मैंने आपका सहारनपुर रख दिया, सॉरी, और यहाँ पर आपका शाहजहानपुर। तो सेकेंड जो चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट होते हैं शाहजहानपुर में, और थर्ड प्रायोरिटी पर चाहें तो आप यहाँ पर सहारनपुर रख सकते हैं। फिर उसके बाद गोरखपुर, आजमगढ़, झांसी, अम्बेडकर नगर, इस तरीके के कॉलेज आप चूज़ कर लीजिए, तो आपके चांसेस थोड़े और ज़्यादा क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फिरोज़ाबाद भी आप देख सकते हो, बैरिज का यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखिए बात करेंगे अपनी 140 से लेकर के 150 के बीच में जो ये स्टूडेंट्स आते हैं, तो उनको कैसे कॉलेज चूज़ करने चाहिए, तो उनको थोड़े से अच्छे कट ऑफ वाले कॉलेज चूज़ करने चाहिए, जैसे मेरठ का LLRM है, SGPGI MS है। ठीक है, लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया है। ठीक है, लखनऊ का गौतम बुद्ध नगर है, प्रयागराज है, अयोध्या सैफई, KGMU। अब KGMU मैंने लास्ट में क्यों रखा, बिकॉज इसकी जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा जाती है। ठीक है, सैफई में भी इसी तरीके से आपकी कट ऑफ जाएगी, लेकिन KGMU से थोड़ा कम जाती है, इसलिए इसको थोड़ा सा मैंने ऊपर रख दिया। उसी तरीके से इस तरीके से प्रेफरेंस रखी हुई है, तो ये एक प्रेफरेंस ऑर्डर आपको समझना पड़ता है फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू कट ऑफ। ठीक है, तो कट ऑफ आपको किस तरीके से रखना है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो।
देन नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे 150 से लेकर के 160 मार्क्स के बीच में जो स्टूडेंट्स हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हाई कट ऑफ वाले जो कॉलेज हैं उनको चूज़ करने की कोशिश करें। जैसे कि फर्स्ट में प्रियोरिटी रख सकते हैं आपकी KGMU की, SFAE, SGPGI, डॉक्टर राम मनोहर, ठीक है, झांसी, फिर उसके बाद आपका गौतम बुद्ध नगर, और जितनी आपकी चॉइसेस हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। तो इसमें आपको कोई भी अलग से डाउट नहीं होना चाहिए। अब आई होप आप इसको अच्छे से समझे हो। तो यहाँ पर सिंपल एक वे में समझाने की कोशिश करें फ्रेंड्स। तो सबसे पहले अपने मार्क्स को देखें, ठीक है, मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या करना है, उस कॉलेज को पहले रखना है जिसमें आपके चांसेस ज़्यादा क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है, फिर दूसरे पे वो कॉलेज रखना है जिसमें और उससे ज़्यादा चांसेस नहीं हो सकते, ठीक है, यानी कि इसमें 100% चांसेस हैं तो इसमें आपके 90% चांस हैं, ठीक है। थर्ड में आपने ऐसा रखा जिसमें 80% चांस क्रिएट हो रहे हैं कि आपको कॉलेज मिल जाएगा, फिर उसके बाद उसी तरीके से आपको 70% चांस क्रिएट हो रहे हैं, तो आपको एक इस ऑर्डर में रखना है, ठीक है। तो ये ऑर्डर आपका जो है वो बिल्कुल काम करेगा फ्रेंड्स, 100% श्योर है कि आपको ये इस ऑर्डर में कॉलेज अलॉट ज़रूर कराएगा। तो ये प्रेफरेंस का आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इस तरीके से आप समझ सकते हैं, और अपनी इच्छा अनुसार चाहे तो इसको आप यहाँ कर दीजिए, ठीक है, चाहे यहाँ पर शाहजहानपुर की जगह आप कोई और कॉलेज भर दीजिए, वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। सो आई होप ये प्रेफरेंस वाला वीडियो फ्रेंड्स आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है, फिर भी कोई डाउट है आपके मन में, तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिए, वहाँ से जाकर आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर दे दूँगी। अब कमेंट में फ्रेंड ऐसा होता है कि कभी कभी नहीं हो पाता है, काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं, ठीक है, तो काफ़ी बिजी भी रहता है शेड्यूल कभी कभी, तो कमेंट का रिप्लाई करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता। तो टेलीग्राम पर अगर डायरेक्ट मैसेज कर रहे हो तो वहाँ से हम रिप्लाई पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है, भले ही आपको लेट मिल रहा है, कोशिश करने के बाद भी कह सकते हो 1 या 2 घंटे बाद भी रिप्लाई मिल रहा है, फिर भी रिप्लाई आपका कर दिया जाता है, ठीक है। तो कमेंट में नहीं हो पाता है, ऐसी बात नहीं है कि कुछ कमेंट्स में रिप्लाई नहीं जाता है, आपने देखा होगा हमेशा मैं रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको प्रेफरेंस ज़रूर देख लेनी है। तो अभी के लिए इतना ही, चलिए वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।